महकमा सेहत ने पंजाब भर के हेल्थ ऑफिस की महाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा सेहत मुल्तान माह नवंबर में भी कारकर्दगी को बेहतर ना बना सका। सीईओ ऑफिस मुल्तान की कारकर्दगी 14वें नंबर पर रही। पंजाब भर की रैंकिंग में सरगोधा दूसरे, डीजी खान चौथे, भक्कड़ छठे, राजनपुर नौवें, लोधरा 12वें नंबर पर रहा। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होते ही धागे की कीमत बढ़ गई। 14,000 रुपए वाला धागे का बोरा 20,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। रहनुमा यान एसोसिएशन शेख हामिद कहते हैं पावर लूम्स का बिजली का बिल 30,000 रुपए आता था, अब 60,000 रुपए आ रहा है। पावर लूम इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। हुकूमत से पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी का मुतालिबा। डेरा गाजी खान में मुर्गी की कीमतों में कमी ना आ सकी। मार्केट में ब्रायलर 310 रुपए तक फरोख्त होने लगा। चिकन की कीमतें ज्यादा होने पर शहरी तिलमिला उठे, बोले महंगाई पहले ही बहुत है, ब्रायलर गोश्त अब 300 से जायद मिल रहा है, इंतजामिया मुर्गी की कीमतों को कंट्रोल करे। मुल्तान में सब्जी और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अदरक की कीमत 1,000 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। अंगूर 270 रुपए किलो, केला 90 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगा। टमाटर 20 रुपए की कमी के बाद 110 रुपए में फरोख्त। आलू और प्याज 60 में, मटर और शलजम 80 रुपए किलो में दस्तियाब। खानेवाल की सहूलत बाजार में आटे को दुकानदारों और खरीदारों ने गैर मयारी करार दे दिया। दुकानदार बोले फ्लोर मिल मालिकान सरकारी कोटा की गंदम से मैदा और फाइन आटा बनाकर महंगे दामों बेच रहे हैं। शहरी एक बार आटा लेकर जाता है, दोबारा नहीं खरीदते। शहरी कहते हैं आटे का मयार चोकर की तरह है, आटे का मयार बेहतर किया था। सूबाई वजीर आबपाशी सरदार मोहसिन खान लगारी का हल्का इंतखाब मसाइल की दलदल में फंस गया। जामपुर का गर्भी बाईपास टूट फूट का शिकार। गढ़ों के बाद हादसा मामूल बन चुके। बारिशों और गटरों का पानी कई माह तक जमा रहने लगा। इलाका मकीन अजियत में मुब्तला, बोले MNA सरदार जाफर खान लगारी और मोहसिन खान लगारी मुंतखब होकर गायब हो गए। शहरे औलिया में मजारात की ताजीन और आराइश में फंड्स की कमी रुकावट बन गई। मजारात की इमारतें खस्ता हाली का शिकार। मुल्तान जोन के लिए महकमा औकाफ को 2 करोड़ रुपए के फंड्स मजारात की बहाली के लिए जारी ना हो सके। फंड्स जारी ना होने वालों में दरबार हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया, हजरत शाह रुकनी आलम, हजरत शाह शम्स सब्सवारी और हजरत बीबी पाक दामन के मजारात शामिल हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर कमिश्नर मुल्तान का नोटिस। 64 गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के नक्शे और कन्वर्जन फीसों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। गैर कानूनी होटल्स, गेस्ट हाउसेस और मैरिज हॉल्स के नक्शे जारी किए। बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कमर्शियल इमारतों को जाली नक्शे जारी करने पर तहकीकात शुरू। अहमदपुर शरकिया में बिरयानी फरोश पर तहसीलदार के तशद्दुद का मामला। अंजुमन ताजरान का चौक मुनीर शहीद पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन कहते हैं कि तशद्दुद की CCTV फुटेज के बावजूद थाना सिटी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अगर इंसाफ न मिला तो एहतजाज जारी रहेगा, जब तक इंसाफ न मिला तो सहूलत बाजार बंद रहेगा। मुल्तान की रिहायशी खातून इंसाफ के लिए थाने कचहरी में धक्के खाने पर मजबूर। मुतासर खातून मकसूद नवाज का कहना है कि निश्चर के डॉक्टर ने पुलिस की मिली भगत से 100 भेड़ बकरियां, घरेलू सामान और ट्रैक्टर वगैरह घर से ले गए। पुलिस भी बासर लोगों के साथ मिल गई, कोई मसीहा इंसाफ फ्राहम करे। सरगोधा से गुजरने वाली रेलवे लाइन के पास गंदगी के ढेर लग गए। इंतजामिया ने कमिश्नर सरगोधा के अहकाम हवा में उड़ा दिए। इर्द गिर्द की रिहायशी कॉलोनीज के बच्चे गंदगी में खेलने पर मजबूर। मूजी अमराज के फूटने का खदशा। शहरे औलिया का बड़े शाह शम्स पार्क का तरक्याती मंसूबा ताखिर का शिकार। जारी तामीराती काम को बंद हुए 1 माह गुजर गया। पार्क का ठेका चंद माह कबल 4,80,00,000 में हुआ था। दूसरी जानेब कड़ी जमंदा ग्राउंड की तासीन और आयश का काम भी सुस्त रवि का शिकार। ग्राउंड को 70 मिलियन की लागत से तैयार किया जाना था। नौजवान खिलाड़ी काम मुकम्मल न होने पर इंतजामिया पर बरस पड़े। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की गफलत। मुल्तान के तारीखी मकाम दमदमा का फर्श टूट फूट का शिकार। सफाई का नाकिस इंतजाम, करोड़ों रुपए के तरक्याती काम कराए गए। इंतजामिया की गफलत के बायस दमदमा का हुस्न एक बार फिर गहनाने लगा। सयाह मायूस होने लगे, बोले इंतजामिया ऐसे मसले पर फौरी तवज्जो दे।
मेंबर कौमी असेंबली सरदार आमिर तलाल की गोपांग हाउस में शहरियों से मुलाकात, मसाइल सुने, रोही से खसूसी गुफ्तगू की। कहा वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब से तहसील अलीपुर में अरबों रुपए के तरक्याती फंड मंजूर करा लिए हैं, जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। नवाही इलाके खैरपुर सादात का जेर जमीन पानी का मसला जल्द हल होगा। मुल्तान की सफाई के लिए इंतजामिया मुतहरिक, मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन में शामिल 24 नई यूनियन काउंसिल्स के वासियों के लिए खुशखबरी, कंपनी का नए इलाकों में सफाई के मैकेनिज्म पर अमल दरामद शुरू, 22 लोडर रिक्शे और 44 वर्कर्स की फोर्स तैनात, नॉर्थ और साउथ बाईपास, बावलपुर चौक और शहर की अहम शहरों पर सफाई के लिए लोडर रिक्शे इस्तेमाल किए जाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तहसील अहमदपुर की सफाई का इंतजाम संभाल लिया, म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से फंड्स, मशीनरी और मुलाजमीन सफाई कंपनी के हवाले कर दिए गए। बकाया मशीनरी की खरीदारी के बाद बाकायदा इफ्तिताह भी मुतवक्के है। कंपनी सेक्रेटरी आजम कांजो कहते हैं अहमदपुर में बड़े कचरे के ढेरों की निशानदही कर चुके, ठिकाने लगाने का काम जल्द शुरू होगा। रेस्क्यूअर्स फिट होंगे तो ऑपरेशंस में बेहतर काम होगा। रहेंगे खान के बासकीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रेस्क्यू अहलकारों के माहाना फिटनेस टेस्ट लिए गए, स्टेशन कोऑर्डिनेटर शहजादा मोहम्मद इकबाल की जरिए निगरानी, फिटनेस टेस्ट जारी। रेस्क्यूअर्स की एक मील दौड़, उछल कूद, उठक बैठक और पुशअप्स के टेस्ट हुए। रहीम यार खान में सीईओ हेल्थ अथॉरिटी की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस रिव्यू कमेटी का इजलास, इजलास में आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदे भी शरीक हुए। पोलियो के खात्मे के लिए बच्चों की सर्वेलेंस करने का जायजा लिया। साबिकाबाद की यूनियन काउंसिल अहमदपुर लम्मा दहिया में पोलियो वायरस की तस्दीक, सीओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली का कहना था बीमारियों की सर्वेलेंस जितनी बेहतर होगी बीमारियों को रोकने में उतनी ही मदद मिलेगी। कहरोड पक्का में एसी नईम बशीर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, मरीजों को इलाज मुआवजे की सूरत हाल का जायजा लिया, अस्पताल की नई बिल्डिंग का भी जायजा, डॉक्टर्स की ड्यूटी और रिकॉर्ड को चेक किया। एसी नईम बशीर ने कहा मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए तमाम सहूलियात फ्राहम की जाए, अस्पताल की नई बिल्डिंग का भी मुआयना किया। और नवाबों के शहर बहावलपुर को मजीद खूबसूरत बनाने की काबिशें जारी, शहर की दीवारें खूबसूरत बनाई जाने लगी। एनजीओस के नौजवान लड़के और लड़कियों ने मुख्तलिफ इलाकों की दीवारों पर पेंटिंग करने का अमल शुरू कर दिया। और नवाबों के शहर बहावलपुर को मजीद खूबसूरत बनाने की काबिशें जारी, शहर की दीवारें खूबसूरत बनाई जाने लगी। एनजीओस के नौजवान लड़के और लड़कियों ने मुख्तलिफ इलाकों की दीवारों पर पेंटिंग करने का अमल शुरू कर दिया।